हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ऑप्टिमिज्म का। ऑप्टिमिज्म के फीचर्स देखेंगे, टोकनॉमिक्स देखेंगे एंड द फ्यूचर पोटेंशियल आल्सो कितना जा सकता है। अब एक और ऑब्वियसली आपके माइंड में सवाल आएगा, अगर ये भी लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है जस्ट लाइक मैट्रिक एंड आर्बिट्रम, अगर हम एक कंपेरेटिव स्टडी करें कि उनमें से कौन सा बेटर होगा, तो ये हम कर लेंगे। आगे हम इसके रिगार्डिंग एक वीडियो रिकॉर्ड करके हम कंपेरिजन कर लेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म के बारे में अगर आपको बेसिक डिटेल जाननी है तो 1.38 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, 889 मिलियन डॉलर के इसके पास मार्केट कैप है। सप्लाई इसकी अगर देखो सर्कुलेशन में 644 मिलियन अभी सर्कुलेशन में है, एंड अगर इसके टोटल सप्लाई के कंपेरिजन में देखोगे तो वो सिर्फ 15% है। टोकनमिक्स वाले जब पार्ट में हम जाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना ज्यादा सप्लाई का इन्फ्यूजन हो सकता है और उसकी वजह से मतलब कितना प्राइस डाइल्यूशन हो सकता है, वो आप पहले से एज्यूम कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई करने के लिए आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज ऑल द मेजर एक्सचेंजेस हैव इट, सो आप बाइनेंस से बाई करना ही प्रेफर करना है इनकेस अगर आपको बाई करना है तो। नेक्स्ट थिंग, दिस इज द वेबसाइट फॉर ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे आपको सारे जितने भी इसके वेंचर्स हैं, जितने भी इसके फीचर्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, सबके रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इजिली इसको चेकआउट कर सकते हो। हम मेन मेन कैटेगरी पर फोकस करेंगे। अब पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन वर्क कैसे करता है। ये ऑप्टिमिस्टिक रोल अप बेस्ड सॉल्यूशन है। अब रोल अप इनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये क्या करता है, रोल अप जैसे एक बंडल बना देना। ये क्या करेंगे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन को एक बंडल जैसा क्रिएट करके एक ही ट्रांजेक्शन में राइट कर देंगे इथेरियम के मेननेट पे। लेयर टू चाहे कोई भी हो, उसकी फंक्शनैलिटी इसी तरीके से होती है, को मल्टीपल ट्रांजेक्शन को एक ही ट्रांजेक्शन में बंडल करके राइट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, मैंडेटरीली उसको जो ट्रांजेक्शन है उसको लेयर वन जो चेन होगी उस पर राइट करनी ही पड़ेगी। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो फीचर्स बिल्कुल इथेरियम जैसे ही होंगे, इवन वॉलेट एड्रेस आपको इथेरियम जैसे मिलेंगे, बट एक्चुअली एक एडिशनल लेयर बन जाती है जो ऑप्टिमिस्टिक रोल अप क्रिएट करता है। अब उसमें होता क्या, मान लो कि 100-150 ट्रांजेक्शन एक साथ कलेक्ट करके अगर एक ही ट्रांजेक्शन में राइट कर दिया जाए तो जो ट्रांजेक्शन फीस है वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की लगती है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जितनी भी ट्रांजेक्शन उस बंडल में अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो उनको जो फीस है वो काफी सस्ती पड़ती है। सो उन्हें इथेरियम के नेटवर्क की सिक्योरिटी और ऑल द फीचर्स मतलब मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ चीप ट्रांजेक्शन और जो ये ऑप्टिमिस्टिक रोल अप या फिर लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब मैटिक आप देखोगे तो वो जो जेट के रोल अप से उस पर ज्यादा वर्क कर रहा है, एंड जो ऑप्टिमिज्म है वो ऑप्टिमिस्टिक रोल अप है उस पर ज्यादा वर्क कर रहा है। सो अब आते हैं हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पे। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपडेट कराई थी कि अब ऑप्टिमिज्म है मल्टी चेन की बजाय सुपर चेन क्रिएट कर रहा है और उस पर जा रहा है। तो उसके लिए इन्होंने पहले तो एक चीज वो मुझे काफी क्लियर अच्छी लगी, यहाँ पे इन्होंने बोला है पहले अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया, हमने लगभग इतनी ट्रांजेक्शन फीस बचाई है यूजर्स की, इतने टाइम से इतना मतलब जो मतलब ट्रांजेक्शन उसको सर्कुलेट किया, मतलब सॉरी इतनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया, इतनी वैल्यू ऑन चेन वैल्यू जो सर्कुलेट की, दैट्स फाइन, इन्होंने अपने बारे में बता दिया। यहाँ पे एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी मेंशन की है, इथेरियम अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इतनी ह्यूमंगस पॉसिबिलिटीज है उसमें, कि अगर एक कोई पर्टिकुलर चेन देखा जाए तो वो एक्चुअली में उसको पूरी तरीके से स्केल नहीं कर पाई है अभी तक, ना ही ये कर पाए। इन्होंने अपना भी एक्सेप्ट मतलब किया है, हम भी नहीं अभी तक पूरी तरीके से उसको स्केल कर पाए। आपने रिसेंट टाइम पे देखा होगा कि मैटिक भी अब जो इन्फिनिट स्केलेबिलिटी है उसके लिए अचीव कर रहा है, और वो कर कैसे रहा है, उसने पॉलीगन 2.0 जो अपडेट अवेलेबल कराया है उसमें वो दे विल बी सेवरल चेन्स, और वो एक यूनिफाइड मतलब जो एक इंटरफेस होगा उससे यूनिफाइड रहेंगे, मतलब यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि वो मल्टीपल चेन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सिंगल चेन जैसा ही वर्क करेगी, लेकिन मल्टीपल चेन की जरूरत इसलिए होगी उनको ताकि वो मतलब मल्टीपल थ्रेड से जितनी चाहे स्केलेबिलिटी अचीव कर पाए। पॉलीगन 2.0 में सिर्फ ये इन्फिनिट स्केलेबिलिटी के अलावा और भी कई चीजें हैं, ये आपको डिटेल्ड वीडियो जो क्रिप्टो रिबूट अपना सेकंड चैनल है उस पर आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो वो आपको जब आप यहाँ पे देखोगे होम पे ही फीचर चैनल में आपको क्रिप्टो रिबूट यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा क्रिप्टो रिबूट, इस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर जाके आपको ये जो वीडियो है पॉलीगन 2.0 को डिटेल में देखने को मिल जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि ये भी इसी तरह के अप्रोच मतलब फॉलो कर रहे हैं जिसमें वो जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सबको इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। सो फॉर दैट व्हाट दे ट्राइंग टू डू, इसमें इन्होंने पहले बोला है कि जो भी मतलब आना चाहता है इनके साथ आ सकता है इसमें, इस वेंचर में जो सुपर चेन वाला फीचर ये क्रिएट करने वाले हैं,
बाय इंक्लूडिंग सेवरल चेन्स जो काइंड ऑफ लाइक जो मतलब ऑप्टिमिज्म की जो चेन है उसकी तरह ही वर्क करेंगे, बट दे आर क्रिएटिंग द नेटवर्क ऑफ चेन्स आउट देयर। सो इसमें जो पहला इंटीग्रेशन किया है वो है कॉइन बेस की तरफ से। सो कॉइन बेस ने अपना नया लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन अनाउंस किया, वो कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था, आपने देखा था उस टाइम पे। वो क्रिएट मतलब क्रिएट करेगा इथेरियम के लिए, और वो क्रिएट भी कर रहा है बाय यूजिंग द ओपी स्टैक कोड बेस, यानी ऑप्टिमिज्म का ही जो मतलब इकोसिस्टम उसका ही पार्ट रहेगी उसकी भी चेन, एंड इवन जो रेवेन्यू है उसमें भी ऑप्टिमिज्म को एक सर्टन परसेंटेज मिलेगी जब वो वर्क करेगा। कॉइन बेस बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना, और उसकी एंट्री हो रही है, तो ऑप्टिमिज्म के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर रहेगा कि कॉइन बेस का इतना डीप सपोर्ट इसको मिल गया है, क्योंकि उसने अपना जो L2 क्रिएट करने का डिसाइड किया बाय यूजिंग द टेक जो मतलब ऑप्टिमिज्म ने ऑलरेडी डेवलप की हुई है। नॉट ओनली दैट, उन्होंने बाकियों के लिए भी ओपन रखा है, और यहाँ पे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दी इसी आर्टिकल में। इफ दे वॉन्ट टू गेट इन टच, दे वॉन्ट टू क्रिएट काइंड ऑफ लाइक सिमिलर चेन्स और इस तरीके के नेटवर्क क्रिएट करने में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, दे कैन गेट इन टच विद देम। नाउ उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसका ब्रिज, इसका ब्रिज अवेलेबल है। वैसे हम मेन मेन चीजें ही देख लेते हैं। अब मेन इसका जो रहेगा आगे टोकनोमिक्स फैक्टर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कई सारे चेंज को इन्होंने इंटीग्रेट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक इथेरियम है, पॉलीगन है, बीएनबी, आर्बिट्रम है, जेनोसिस है, एवलांच एंड फैंटम है। इन चेन से आप पे कर सकते हो इथेरियम को, और आप उसको रिसीव कर सकते हो ओपी के मेन नेट पे, यानी ऑप्टिमिज्म के मेन नेट पे। सो बेसिकली आप ऐसा समझ लो, इस तरीके से आप डिपॉजिट करो। इवन अगर आप जो ऑप्टिमिज्म का जो मेन नेट है ओपी मेन नेट उससे विड्रॉ करना चाहते हो, उसका भी ऑप्शन यहाँ बगल में अवेलेबल है। सो एक ईजी ब्रिज दे दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसका अगर इकोसिस्टम चेकआउट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट ऑल द एप्स, इसमें आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको यूनिस्वैप भी दिखेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कंफ्यूज भी नहीं होना है कि यूनिस्वैप तो इथेरियम के नेटवर्क के लिए, एक्चुअली उसमें लेयर टूज भी इंक्लूडेड है, यानी उसमें इंटीग्रेटेड है। सो इन्होंने उसको भी अपने इसमें पार्ट दिखा रखा है, एंड मच मोर, वन इंच भी है, एंड देयर सो मेनी, सुशी स्वैप भी है, मेटामास्क भी शो कर दिया, कॉइनबेस वॉलेट यानी वॉलेट्स को भी शो कर दिया, बट एक्चुअली बस वहाँ पे बस इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट हो सकता है एंड सपोर्टेड है, दैट्स इट, उससे कोई मतलब वैसा मेजर कोलेबोरेशन नहीं है। नेक्स्ट थिंग रोड मैप के अकॉर्डिंग इनके कई सारे माइलस्टोन है। अभी ये 8वें माइलस्टोन पे, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन फॉल्ट प्रूफ जो मेथड है वो क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट मल्टी प्रूफ है, देन उसके बाद डिसेंट्रलाइज सिक्वेंसर है, L1 गवर्न फॉल्ट प्रूफ से इस पर वर्क करेंगे। इससे पहले अपने इन्होंने कई सारी चीजें हैं जिन पर वर्क किया था, जिसमें अपना EVM कॉम्पेटेबल टेस्ट नेट क्रिएट किया था, अल्फा मैन नेट क्रिएट किया, EVM इक्विवेलेंट मैन नेट, ओपन मैन नेट एंड बेडरॉक। सो बेडरॉक तक कंप्लीट हो गया, 8वें माइलस्टोन पे है, एंड आगे 3 माइलस्टोन और है इसके बाद भी। TVL अगर देखोगे टोटल वैल्यू लॉक्ड इन इकोसिस्टम, तो वो इसकी है $810 मिलियन की। आर्बिट्रम के कंपेरिजन में काफी कम है, आर्बिट्रम की अगर आप देखो तो $2 बिलियन से ज्यादा की TVL है उसके पास। लेकिन अगर आप इसका कंपेरिजन करोगे, वैसे मैं कंपेरेटिव वीडियो मैंने बताई दिया, मैं क्रिएट कर दूंगा तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंपेरेटिव वीडियो में अगर हम सारे फैक्ट को कंसीडर करें, लाइक TVL को भी, टेक को भी, अडॉप्शन को भी, फंडिंग को भी अगर कंसीडर करें, इवन सप्लाई इन्फ्यूजन को भी कंसीडर करके चलें, किसमें कितना टाइम पे सप्लाई मतलब इन्फ्यूज हो जाएगी जिससे प्राइस डाइल्यूशन होगा, तो TVL के कंपेरिजन में तो भाई आर्बिट्रम और मेटिक कहीं आगे हैं, ऑप्टिमिज्म उससे काफी पीछे है। लेकिन ट्रांजेक्शन फीस के मामले में ऑप्टिमिज्म इन सबसे आगे है, इसकी ट्रांजेक्शन फीस कंपेयर टू दोज बहुत चीप है, ठीक है। कंपेरिजन वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर वैसे भी करेंगे। अब आते हैं टोकोनोमिक्स वाले पार्ट पे। टोकोनोमिक्स के लिए आप ओपी एलोकेशन का जो गवर्नेंस में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक इसका, उसमें आप चेकआउट करोगे तो उन्होंने वैसे यहाँ पे चार्ट जैसा अवेलेबल करा दिया, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना इन्होंने अलोकेट किया है वो अवेलेबल है। इवन अगर आप डाउन में जाओगे, वैसे तो उन्होंने यहाँ पे वेस्टिंग शेड्यूल वगैरह और उसका किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे फंड्स के सारे डिटेल अवेलेबल करा दिए, बट जब डायरेक्ट चार्ट अवेलेबल है तो हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बाकी चीजों को इंडिविजुअली देखने के। सो यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है जिससे आप इजिली ट्रेस आउट कर पाओ किस टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। और भी अगर आपको इजिली चेकआउट करना है तो टोकन अनलॉक्स पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब वहाँ पे ये ट्रेसेबल है, तो अगर जो भी टोकन इसमें ट्रेसेबल होता है उसको आपको ट्रेस करना बहुत आसान रहेगा कंपेयर टू मैनुअली करने के। लेकिन इसमें सारे टोकन्स ट्रेसेबल नहीं होते हैं, आप जब चेकआउट कर लेना, अगर ट्रेसेबल है तो आपके लिए ईजी रहेगा देखना उसके सप्लाई कितने टाइम पे कितनी सर्कुलेशन होगी, अगर नहीं है देन यू हैव टू डू इट मैनुअली। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो मेजर जो क्लिफ थी मतलब उसके बाद मतलब जो मेजर अनलॉक था वो हो चुका है,
वो हुआ है जून के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद मेजर अनलॉक नहीं होना है। अब जो भी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी वो ग्रेजुअली आएगी, एंड उतनी ही आएगी जितना मतलब जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जून फर्स्ट वीक से पहले की बात करें तो इसकी जो सर्कुलेशन में सप्लाई थी वो थी 291.5 मिलियन, एंड उसके बाद जब नवंबर सॉरी जून फर्स्ट वीक में अब इसकी हो गई है 678.14 मिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई एकदम से सर्कुलेशन में आ गई है, लेकिन अब फर्दर प्राइस में डाइल्यूशन सप्लाई के इन्फ्लुएंस से होने के मतलब जो मतलब मेजर नहीं होगा, लेकिन सप्लाई तब भी सर्कुलेशन में आएगी। इसमें जो मेजरली अनलॉक होके आई है वो आई है इन्वेस्टर्स एंड कोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए, मतलब जो कोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे उन उनके लिए जो सप्लाई अलोकेटेड थी उसका पहला जो चंक है वो अनलॉक हुआ है। इट विल कंटिन्यू टू अनलॉक, सो मतलब आप ऐसा समझ लो, अगर हम अगले साल बोलन एक्सपेक्ट करें 2024 में, तब तक आप ऐसा समझ लो 895 मिलियन लगभग सप्लाई सर्कुलेशन में, 895 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में अवेलेबल होगी। एज ऑफ नाउ इट इज नियर टू लाइक 700 मिलियन, आप रफली अगर रफ फिगर अगर कंसिडर करके चले। सो सप्लाई में इन्फ्यूजन मतलब इन्फ्यूजन होगा लगभग 200 मिलियन सप्लाई का, बट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इतना मतलब टॉलरेंस वाले पीरियड में रहेगा। लेकिन अगर दूसरे कुछ कॉइन्स को देखा जाए तो उनमें किसी किसी में तो सप्लाई बहुत ज्यादा अनलॉक होना बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेयर टू से अगर बाहर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक सुई का हम एग्जाम्पल लें, तो नवंबर में उसमें इतनी ज्यादा सप्लाई अनलॉक होने वाली है कि आप देखना उसमें कितना ज्यादा ह्यूज डंप क्रिएट होगा। सो जो लोग अगर इसको प्रेफर करना चाहें तो अब प्रेफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको बाय कर सकते हो। इवन यू कैन कंटिन्यू टू डू द डीसीए अगर आप डीसीए करना चाहते हो, क्योंकि अब मेजर सप्लाई का इन्फ्यूजन होगा नहीं। सो अब यहाँ से आप इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो चेकआउट कर पाओगे, अब कितना जा सकता है। अब ये मैटिक को पीछे छोड़ पाएगा नहीं छोड़ पाएगा, दैट इज क्वेश्चनेबल एज ऑफ नाउ। जब हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे देन वील गो फर्दर इन डीप सिनेरियो कि क्या क्या पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन कॉइन बेस की सपोर्ट होने की वजह से डेफिनेटली इसके लिए सिनेरियो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। सो अगर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए आपको प्राइस में तो ये डाउन जाता दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक $3 के आसपास था, अब ये 1.38 डॉलर के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप में इसमें मतलब इंक्रीमेंट ही हुआ है। ये जो प्राइस में डाइल्यूशन हुआ है बिकॉज ऑफ सप्लाई इन्फ्यूजन, इसीलिए टोकोनोमिक्स पार्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ ही दिखेगी, जब सप्लाई मतलब $3 पे था तब इसकी मार्केट कैप थी 900 मिलियन के मिलियन डॉलर के आसपास, और अभी भी 900 मिलियन डॉलर के आसपास ही है, लेकिन प्राइस 1/3 हो गया बिकॉज बहुत सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ गई। सो सिमिलरली अब अगर ये अभी अगर हाल फिलहाल में देखें 900 मिलियन डॉलर के आसपास इसकी मार्केट कैप है, रफली अगर देखा जाए तो अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला ठीक है तो 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसके लिए फिजिबल होगी। सब कुछ अच्छा चला मतलब कॉइन बेस के जो चेन है वो भी आ जाती है, उससे भी इसको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, जो इसका सुपर चेन्स वाला विजन है वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, मोर एंड मोर चेन्स विल ज्वाइन इन, और इसको काफी अच्छा इसके अच्छे लेवल पर कोलेब्रेशन हो जाता है। 10 बिलियन आप ऐसा समझ लो इन टर्म ऑफ मार्केट कैप 10x करना इसके लिए मतलब फिजिबल रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइस के टर्म में देखो तो एग्जैक्टली आप 10x नहीं कर पाओगे बिकॉज स्टिल 200 मिलियन सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इसमें मतलब फिर से ऐड होगी, अभी मतलब इतना इन्फ्यूजन होगा। सो अगर प्राइस की टर्म में देखा जाए, अगर इस प्राइस पर आप इन्वेस्ट करते हो तो रफली यू कैन एस्टिमेट कि 7 to 8x का इसमें फिजिबिलिटी रहेगी, यानी इतना करना इसके लिए संभव रहेगा। कंपेयर टू अगर हम मैटिक और आर्बिट्रम देखें, सॉरी मैटिक के कंपेयर में तो डेफिनेटली इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैटिक में काफी चीज निगेटिव भी गई है, उसका भी मैक्स टू मैक्स इफ एवरीथिंग गोज वेल तो 10x का सिनेरियो है, लेकिन उसका जो अभी करंट सिनेरियो उसको भी एक बार चेकआउट करेंगे तब जब इसका टोकोनोमिक्स जो टोकोनोमिक्स अपडेट होके आने वाली है वो होके आ जाए उसके बाद, और वो होके आएगी 10 जुलाई को ठीक है। तो 10 जुलाई के बाद ही उसके फर्दर क्या कुछ रहेगा उसके अराउंड क्लैरिटी बनेगी। सो पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कितना रहेगा ठीक है। अब बात आती है आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट विल बी अप टू यू, बिकॉज अगर आप लेयर टू में से चूज करना चाहते हो तो आप ऑप्टिमिज्म को चूज कर सकते हो। इवन आर्बिट्रम में भी मेजर सप्लाई का इन्फ्यूजन तो नहीं है, बट स्टिल इन टर्म ऑफ पोटेंशियल हमें उसको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो में एक कोई कॉइन ऐसा रखना है थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, अगर आपका एक ये भी सिनेरियो होता है पोर्टफोलियो अगर आपका बड़े साइज का है तो आपकी मजबूरी होगी कम से कम 4 से 5 लार्ज कैप वाले कॉइन उसमें चूज करने की। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज बहुत छोटा है तो फिर आप इसको प्रेफर ना करें, फिर आपको ऐसे कॉइन्स को प्रेफर करना चाहिए जिनमें पोटेंशियल ज्यादा हो, आइदर दे विल मेक इट और ब्रेक इट वाले सीन उनमें रहेगा, ताकि या तो आप
अच्छा खासा कमा ही जाओगे या फिर मतलब बिल्कुल ही नहीं कमा पाओगे, बिकॉज आपके लिए फिर लार्ज कैप नहीं बने अगर आपके पास फंड ज्यादा अवेलेबल नहीं। जिनके पास फंड ज्यादा अवेलेबल है दे कैन कंटिन्यू टू डू SIP, अगर इसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहें, इवन वन टाइम एलोकेशन करना चाहें, ह्यूज एलोकेशन करना चाहें, दे कैन डू सो, बट कीप इन माइंड 200 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी एंड मैक्स टू मैक्स इफ एवरीथिंग गोज वेल 10x का इसमें हम फिजिबिलिटी अभी देख रहे हैं। अगर फर्दर डेवलपमेंट होता है चीजें चेंज भी हो सकती हैं, तो वो चीज भी टॉलरेंस माइंड में लेके चलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।